जिस प्राइस रेंज में ये लैपटॉप आता है उस प्राइस रेंज में मैं कोई और लैपटॉप ले लूंगा ये तो मैं नहीं लूंगा और ना ही मैं किसी को रिकमेंड करूंगा, लेकिन इसका जो बेस वेरिएंट है वो लेने लायक है। बाकी आपने एल जी ग्राम के रिव्यूज देखे होंगे, लेकिन जो पॉइंटर्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो अभी तक शायद ही किसी ने कवर किए होंगे या आपको बताया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेट्स बी ऑनेस्ट का सेगमेंट एल जी ग्राम के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप के डिजाइन की। तो लैपटॉप काफी हल्का है और स्लिम भी है, लेकिन इसके साथ ही कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं स्लिम और हल्के होने के, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे कि इसका हिंज काफी वोबली है, अगर आप इस पे वेबकैम लगाते हो एक्सटर्नल तो ये पीछे जाना शुरू हो जाता है। इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, वो है वेट मैनेजमेंट। आपको लैपटॉप को एकदम स्ट्रेट रखना पड़ेगा तभी ये वेट मैनेज कर पाएगा और ये पीछे नहीं जाएगा। अगर आप ट्रैवल करते हो और साथ में लैपटॉप भी लेके चलते हो तो इससे बेस्ट लैपटॉप आपके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि ये काफी हल्का है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बैग में आपका लैपटॉप है। देखने में ये काफी क्लासी है थैंक्स टू मैग्नीशियम अलॉय बॉडी, और ये काफी ड्यूरेबल भी है। एक बार ये लैपटॉप मतलब थोड़े हाइट से ही गिर गया था नीचे, लेकिन लैपटॉप पे एक भी स्क्रैच नहीं आया और ना ही कुछ इसको डैमेज हुआ। तो ड्यूरेबिलिटी के लिए हम इसको 10/10 दे सकते हैं, और ऐसा बोलना भी गलत नहीं होगा कि ये काफी स्ट्रॉन्ग लैपटॉप है। एलजी का डिस्प्ले हमेशा से अच्छा रहा है और इस लैपटॉप का भी काफी अच्छा है। जब आप यूज करोगे तो आप काफी इंप्रेस हो जाओगे इसके डिस्प्ले से, लेकिन इस प्राइस रेंज में आपको बेजल्स देखने को मिल जाते हैं ना साइड में, वो पूरा फील खराब कर देते हैं। हालांकि ज्यादा नहीं है लेकिन है। इस प्राइस रेंज में बेजल्स को और कम किया जा सकता था, जैसे बाकी लैपटॉप में आपको देखने को मिलते हैं। कलर्स एकदम एक्यूरेट हैं और मूवी देखने में अलग ही मजा आता है, क्योंकि 17 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है इसमें। इस वीकेंड मैंने टीवी पे मूवी नहीं देख के लैपटॉप पे देखा, और मैं आपको बता दूं कि इसका साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छा लगा मुझे। इस लैपटॉप में आपको पोर्ट्स की कमी नहीं मिलेगी, इसमें लगभग सारे पोर्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन लैन का पोर्ट अवेलेबल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लैपटॉप को स्लिम रखा गया है, उसके लिए एलजी ने कनेक्टर दिया है, लेकिन उस कनेक्टर के साथ इशू ये है कि अगर आपको हाई स्पीड नेट चाहिए तो वो आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको एक अलग से कनेक्टर खरीदना पड़ेगा। वो जो कनेक्टर है ना वो सिर्फ 100 Mbps स्पीड तक सपोर्ट करता है, तो अगर आपको उससे ज्यादा की स्पीड यूज करना है नेट में तो या तो आप वाईफाई यूज करिए, अगर आपको लैन से यूज करना है तो आपको एक कनेक्टर अलग से खरीदना पड़ेगा। इसका चार्जर भी एकदम पुराने लैपटॉप्स की तरह है ब्रिक स्टाइल में। खैर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए एलजी को स्लिम चार्जर प्रोवाइड कर देना था या फिर इस पे उन्हें काम करना चाहिए। बाकी लैपटॉप के परफॉर्मेंस में मुझे कोई भी कमी देखने को नहीं मिला। मैंने घंटों इस पे लाइव स्ट्रीम किया है, ना ही मुझे कोई हीटिंग इशू देखने को मिला, ना ही लैपटॉप थोड़ा सा भी लैग किया, और इनफैक्ट इसकी बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी है। अच्छा देर तक इसने मेरा साथ निभाया, लेकिन इसको चार्ज होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, बट वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यार बैटरी बैकअप ऑलरेडी आपको ज्यादा दे रही है लैपटॉप। इस लैपटॉप में 80 वॉट आवर की बैटरी मिल जाती है, और साथ ही साथ ये लैपटॉप चलता है i7 10th generation प्रोसेसर पे, जो कि बेस्ट इन क्लास है 8GB रैम के साथ, जिससे कि मल्टीटास्किंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप हैवी यूज भी कर रहे हो तो भी ये काफी अच्छे से हैंडल कर लेती है। अगर आपको गेम खेलना है तो भी आप इस पे खेल सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हैवी गेम्स अगर आप खेलोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है। इस लैपटॉप में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, और काफी अच्छे से इसको प्लेस किया गया है पावर बटन के ऊपर, जो कि एक सेफ भी है और फास्ट भी है। टाइपिंग इज फन इन दिस लैपटॉप, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइपिंग करते वक्त ना जो टाइपोज होती थी ना वो नहीं होता इस लैपटॉप में, क्योंकि कीपैड्स को काफी अच्छे से प्लेस किया गया है, और जो हैंड रेस्ट एरिया है वो भी काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इस लैपटॉप के वेबकैम की, तो वो बहुत ही ज्यादा बुरा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल डे लाइट में भी ना आपको ग्रेन्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप वीडियो कॉल करने की सोच रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की सोच रहे हैं तो एक्सटर्नल वेबकैम यूज कर लीजिएगा, और जो एक्सटर्नल वेबकैम यूज करिएगा ना वो भी हल्का होना चाहिए, वरना ये लैपटॉप का जो स्क्रीन है ना वो ऐसा ऐसा होना शुरू हो जाएगा, पीछे बेंड होना शुरू हो जाएगा। एलजी के इस लैपटॉप का प्राइस रखा गया है 1,26,000 रुपए, जो कि ज्यादा है इस लैपटॉप के हिसाब से। इसका 15 इंच भी आता है, जो कि एक स्मार्ट बाय हो सकता है अगर आपको ये लैपटॉप खरीदना है। मैं ये लैपटॉप आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये प्राइसी है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और टेक तक को लाइक फॉलो और शेयर करना मत भूलिएगा।